बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान अब्दुल बासित के साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं इरम अहमद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम इरम, बताइए ज़रा आज क्या मौजूदात हैं। सर, वज़ीर आज़म साहब ने अरकान पार्लियामेंट के जो ज़ेर हिरासत लोग होंगे उनके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर की तब्दील करने के लिए कहा है कि कानून तब्दील कर दिया जाए। इस पर बात करेंगे हम, और उसके साथ ये कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो इसी माह में एक अमेरिका का दौरा करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पता चलेगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस नहज पे हैं और मजीद कहाँ जाते हैं। तो पहले ये प्रोडक्शन ऑर्डर वाली बात डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ, जहाँ तक प्रोडक्शन ऑर्डर का ताल्लुक है, इससे पहले भी हमने ये डिस्कशन तो की है कि ये प्योरली जो है नेशनल असम्बली के जो स्पीकर हैं उनकी सवाबदीद है। मेरे ख्याल में रूल नंबर 108 है, और उसमें उनको ये इख्तियार दिया गया है कि अगर वो समझें कि कोई भी रुकन अगर ज़ेर हिरासत है, अगर उसकी कौमी असम्बली में बहुत ज़रूरत है उनके ख्याल में, तो फिर वो प्रोडक्शन ऑर्डर इशू कर सकते हैं। अब वज़ीर आज़म साहब का ये कहना है, आज उन्होंने काबीना में कहा है कि ये जो क्रिमिनल्स हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व हैं, और वो जेल जाते हैं, ज़ेर हिरासत होते हैं, और वो ये प्रोडक्शन ऑर्डर आ जाता है, तो वो फिर जेल में तो नहीं, यहाँ पे आके मज़े करते हैं, तो इस प्रोडक्शन ऑर्डर के कानून को तब्दील होना चाहिए। अब इसके दो तीन पहलू हैं जो कि हमें देखने चाहिए मेरे ख्याल में किसी भी महज़ब माशरे में, क्योंकि हमारे यहाँ अजीब अजीब रवायात पड़ गई हैं, और अगर आप कुछ चीज़ न्यूट्रल होके भी डिस्कस करें तो लोग आप पे ठप्पा लगा देते हैं कि यार आप पीपल्स पार्टी के हैं, आप PMLN के हैं, आप PTI के हैं। तो मुश्किल हमारे यहाँ ये आन पड़ी है कि अब कोई चीज़ आप इंटेलेक्चुअली डिस्कस भी नहीं कर सकते, अपने व्यूज़ जो हैं वो भी आप उसका इजहार भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको खदशा लगा रहता है कि कहीं हम पे ये लेबल चस्पाना हो जाए। ठीक है, लेकिन चूँकि मुझे ज़ाती तौर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मालूम है कि मेरी एफिलिएशन किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, और जो भी हम यहाँ आवाज़ पाकिस्तान में बात करते हैं बुनियादी तौर पे जो हम समझते हैं ठीक है, मुमकिन है कि वो गलत हो, लेकिन जो हमारी राय है हम उसका इजहार करते हैं, बिल्कुल एक ज़ाती तजिया, जिसका हम तजिया पेश करते हैं। तो इस हवाले से भी देखिए, एक मुसलमा असूल है दुनिया भर में कि जब तक अगर आप पे कोई इल्ज़ाम लगाता है, आप पे कोई किसी चीज़ पर एक्यूज़ करता है, फिर आपको अदालत में जाना पड़ता है उस शख्स को, फिर अगर आप वो इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो फिर आप कन्विक्ट हो जाते हैं और फिर आपको जेल भिजवा दिया जाता है। तो ये एक तरीका है कि यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी, ये एक इंटरनेशनल असूल है। अब पाकिस्तान भी हम ही इसी दुनिया का हिस्सा हैं, और इल्ज़ाम तो कोई भी किसी पर लगा सकता है, मैं भी आप पे इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकती हैं, सनाउल्ला साहब पे कल इल्ज़ाम की सूरत ही हुई ना, एक लगा कि उनकी गाड़ी से 15 किलोग्राम हेरोइन निकली। अब उसको प्रूव करना है, ANF का काम है या जो भी एजेंसीज हैं, वह अदालत में होगा मामला। अब इस दौरान जो है PMLN ने कल शायद कौमी असम्बली का इजलास उसकी रिक्विजिशन की है ताकि सनाउल्ला साहब के भी प्रोडक्शन ऑर्डर आ सकें, तो ये एक सिलसिला तो है। अब पहला जो पॉइंट है वो तो ये जहन में रखना चाहिए कि आप पे इल्ज़ाम तो हर कोई लग सकता है, लेकिन जब तक आप कन्विक्ट नहीं होते, जब तक कोई इल्ज़ाम प्रूव नहीं होता अदालत में, उस वक्त तक आप मासूम हैं। आप और जो ही अगर आप पे वो इल्ज़ाम साबित हो जाता है, अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं, तो फिर अगर रुकन पार्लियामेंट भी आपके हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि जब कन्विक्शन आप किसी हो जाती है तो फिर आप रुकन पार्लियामेंट रहते ही नहीं हैं। जिस तरह नवाज शरीफ साहब थे, जब वो डिसक्वालीफाई हुए तो 60, 62, 63 आर्टिकल के तहत, और उसके बाद फिर दूसरे केसेस में जब वो मुजरिम करार दे दिए गए तो फिर वो ऑटोमेटिकली डिसक्वालीफाई हो गए। इसी तरह जो हमारे पुराने पहले वज़ीर आज़म गिलानी साहब, वो उनके ख़िलाफ़ कन्विक्शन हुई तो वो डिसक्वालीफाई हो गए कुछ अर्से के लिए। तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है, जब आप कन्विक्ट हो जाते हैं तो फिर आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, फिर आप इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकते। बिल्कुल, जो मुद्दत मुअय्यन है उसमें फिर आप इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर जो मरियम नवाज़ शरीफ हैं, वो अब 7 साल के लिए शायद डिसक्वालीफाई हुई हैं,
तो वो अब अगले इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें उससे उस जुमरे में आती हैं। अब ये कहना कि जी अब प्राइम मिनिस्टर की जो लैंग्वेज थी या जिस तरह बयान उसको किया गया, उससे ये महसूस होता है कि प्राइम मिनिस्टर शायद यही समझते हैं, पीटीआई ये समझती है कि आप बस इल्ज़ाम लग जाए और गिरफ्तार तो आप हो गए तो आप मुजरिम हो गए। अच्छा, एक और बात भी उन्होंने कही है, वो ये कि नए पाकिस्तान में सब कैदियों के साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा, तो सियासी कैदियों में और नॉर्मल कैदियों में फर्क आप थोड़ा सा ऑडियंस को? अच्छा, वो भी बताते हैं इस, वो तो ए बी सी कैटेगरीज है ना, उस पर मैं आता हूँ, लेकिन पहले इसको जरा देख लेते हैं ना कि पूरा इसके भी तरह पूरा बात पूरी नहीं हुई हमारी। उसमें देखिए कि अब जो मिसाल के तौर पर अब इसकी बहुत सी सूरतें हो सकती हैं। पहले तो ये है कि अगर किसी पे इल्ज़ाम लगा हुआ है तो फिर तो आप उसको इलेक्शन ही लड़ने दें जी। वो फिर आप इलेक्शन कमीशन जो है, अगर वाकई इनकी बात मान लेते हैं पीटीआई की, तो फिर आप उस वक्त ही उनको डिस्क्वालीफाई कर दें कि जी आप जो है, क्योंकि आप पे ये इल्ज़ाम है और आप पे ये केस चल रहा है तो आप इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, हमें माफ़ कीजिए, आप पार्लियामेंट में नहीं जा सकते। दूसरा तरीका ये है कि जब आपकी गिरफ्तारी अमल में आ जाए तो तब आप डिस्क्वालीफाई आपको हो जाए टेम्प्ररी, जब तक कि आपका केस नहीं चलता, जब तक आप बरी नहीं होते उस वक्त तक फिर आप डिस्क्वालीफाइड रहें। हमारा मसला बुनियादी तौर पे इरम ये नहीं है, ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर का इशू है ना, ये इशू नहीं है। बुनियादी इशू हमारा जुडिशल सिस्टम है। हमारे केसेस में इस कदर तवालत पकड़ जाते हैं कि एक केस अगर है उसको 15 दिन में उसका डिसीशन होना चाहिए तो 15 साल लग जाते हैं। अब आप देखिए ना, मैं कोई बहुत फ़ैन नहीं हूँ पीपल्स पार्टी का ना किसी भी पार्टी का फॉर दैट मैटर। जरदारी साहब कहते फिरते हैं कि जी मुझे 11 साल आपने जेल में रखा, लेकिन कन्विक्शन कोई नहीं उनकी की हुई। इसी तरह आप जो राणा सनाउल्ला साहब को 14 दिन के लिए जुडिशल रिमांड में रखा है, अब और आज वो मेरे ख्याल में कोई FIR कटी है, तो कल जो उन्होंने दिन गुजारा वो किस खाते में गुजारा? तो हमारे सिस्टम FIR के अंदर मेरे ख्याल से उनका अपना स्टेटमेंट भी है और उन्होंने होगा भी किया होगा, लेकिन क्वेश्चन में बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर खराबियां हैं, बिल्कुल आप उसको ठीक करें ताकि ये जो अब, और मिसाल के तौर पर अगर आपने डिस्क्वालीफाई ही करना है उन लोगों को जिन पे इल्जाम हैं, फिर तो ये इस पार्लियामेंट में माशाल्लाह बहुत से आपको लोग मिल जाएंगे। फिर और तो फिर वो पीपल्स पार्टी के वही अरकान जो अब पीटीआई में नए आए हैं, वही उनके खिलाफ भी केसेस बेशुमार होंगे। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि एक लीगल एक दुनिया का कानूनी असूली एक चीज है और दुनिया इस पे इत्तेफाक करती है। इसमें कोई ऐसा काम ना करें कि ऐसा महसूस हो कि जी पाकिस्तान एक कोई नया कानून बना रहा है, फिर उस कानून की एक स्पिरिट होती है उसको भी ऑब्जर्व करना चाहिए। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो हदायत है कि इस कानून में तरमीम की जाए कि जिसको जिस पे इल्ज़ाम लग गया, जिसको गिरफ्तार कर लिया, वो ऑटोमेटिकली वो उसको आप असेंबली में नहीं ला सकते और वो प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दे सकते, तो ये ज्यादती है। वो जब तक उनके पे इल्जाम साबित नहीं होता, वो मेंबर पार्लियामेंट, वो मेंबर तो पार्लियामेंट तो हैं, तो अगर वो ये भी हो सकता है ना कि जो कन्विक्शन ना भी हो, मुमकिन है वो एक्विट हो जाए, वो इल्ज़ाम जो है अदालत ने उनको एक्विट कर दिया, तो फिर जो उन्होंने 1 साल 2 साल गुजारे वो फिर किस खाते में जाएंगे? तो इससे बड़ी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। तो हमारा मशवरा तो पीटीआई वज़ीर आज़म को यही है कि इसको आप छोड़ें। जो बुनियादी चीज़ है कि जुडिशल सिस्टम में जो हमारे लूप होल्स हैं उनको प्लग करें, जो डेफिशेंसीज हैं उनको ठीक करें, ताकि जो सिस्टम में जो हमारे केसेस इतने प्रोलॉन्ग कर जाते हैं उनकी कोई मियाद कोई मुतय्यन कर सकें कि 2 हफ्ते में केस ख़त्म होना है, 1 हफ्ते में होना है, 1 महीने में होना है, ताकि मालूम हो। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर अगर आपने करना है तो फिर सब पे क्रॉस द बोर्ड कर दीजिए, जिन जिन पे भी इल्ज़ाम हैं, उसमें अलीम खान भी हैं तो उसमें और भी बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, पीटीआई से भी, पीपल्स पार्टी से भी, मुस्लिम लीग से भी, फिर सबको डिस्क्वालीफाई कर दें जब तक कि वो उनकी कन्विक्शन या एक्विटल नहीं हो जाती, तब तक वो फिर मामला देखेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि मुझे कोई इतना इस पर एक्साइटमेंट नहीं हुई। ये हम सब जानते हैं इरम, हम सब जानते हैं कि और एक रेपुटेशन बनी हुई है कुछ पॉलिटिशियंस के बारे में, एक जद आम है कि ये लोग करप्ट हैं, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन कुछ लोगों के बारे में इम्प्रेशन है। हम सब भी जानते हैं कि माजी में सियासतदानों ने, बल्कि शोभा हर जिंदगी के हर ताल्लुक रखने वाले लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है। सिर्फ पॉलिटिशियन की बात नहीं है, क्या ब्यूरोक्रेट्स और क्या कोई नाम आप लीजिए, तो ये सब ने लूटा है पाकिस्तान को।
तो सिर्फ सियासतदानों को ही आप वो नहीं कर इल्ज़ाम नहीं दे सकते, लेकिन चूंकि सियासतदान हमारे लिए रोल मॉडल का किरदार अदा कर सकते हैं, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो हमारी इनसे उम्मीदें भी ज़्यादा हैं, हम इनसे तवक्कुआत भी ज़्यादा रखते हैं, तो इस वजह से इनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की आज जो इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं कम अज़ कम उससे इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है, इसमें खराबियाँ भी हैं, इससे मसाइल भी पैदा होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ जो उसकी स्पिरिट है इस कानून की, वो बिल्कुल ठीक जगह पे है और उसको उस जगह से नहीं हटाना चाहिए। अगर आपने जगह से हटाना ही है तो फिर खुदारा इस जो अदालती निज़ाम है हमारा, इसको आप ठीक कीजिए, क्योंकि ये बाकी ये जो इश्यूज़ हैं ये इतने कोई ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं हैं। जहाँ तक दूसरी बात है कि तमाम कैदियों को एक जैसा सलूक होना चाहिए, तो मसावात का अमल है, ये तो ठीक बात है, लेकिन अब नहीं मालूम कि जो सियासतदान हैं ये अपने लिए अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना चाहेंगे कि नहीं मारना चाहेंगे, क्योंकि ये जब जाते हैं तो इनको तो बड़ी मराहत मिलती हैं, अगर ये एक क्लास में हैं तो सब चीज़ें ही इनको मिलती हैं, एक अलग कमरा मिल जाता है, उसमें टेलीविज़न भी होता है, अखबारात ही मिलते हैं, घर से खाने भी आते हैं, लोग भी मिलने आ रहे होते हैं, तो एक किस्म का होटल का समा होता है, तो ये एक है मामला। अब अगर ये कर सकते हैं, चेंज इस रूल में तब्दीलियां ला सकते हैं, ये क्लासेस ख़त्म कर सकते हैं, तो नथिंग लाइक दैट। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है ना कि जो इस टाइम पे हुकूमत होती है, जब अगली हुकूमत आती है तो पिछली हुकूमत के लोग जेलों में होते हैं, वही है ना, तो इनको ही फिक्र करनी चाहिए ना कि अगली बार कोई और आ गया तो फिर क्या होगा। आप ये इम्प्लाई करना चाहती हैं कि सारे लोग करप्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी में आए हैं और उनके ऊपर ऑलरेडी हैं इस तरह के इल्जाम। एब्सोल्युटली, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं मतलब इसके प्रोडक्शन ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में तो मैं आई वुड स्टिल रिकमेंड टू द प्राइम मिनिस्टर कि ऐसा ना करें, पार्लियामेंट में जब तक उनकी कन्विक्शन नहीं हो जाती है, तो फिर उनको अगर जिन पे इल्जाम पहले से लगे हुए हैं जो एक्यूज्ड हैं, फिर तो कोई ऐसी आईन में तब्दीली कीजिए कि वो इलेक्शन ही ना लड़ सके, फिर तो बात ठीक है। जब उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया, जब वो इलेक्शन के लिए क्वालिफाई हो गए, तो फिर आप उनको पार्लियामेंट में आने से कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं मेरे हिसाब से, या तो फिर आप उनको इलेक्शन में ना फाइट कंटेस्ट करें। सब होता यही है ना कि कभी भी आप कुछ सियासी जब आते हैं इस तरह से सियासत में आते हैं, तो उनकी तरह उनके लिए इस तरह का कोई लॉ नहीं होता, लेकिन एक आम शहरी जब कोई पाकिस्तान की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करता है सरकारी, तो उसके लिए पहले वो अपने इलाके के थाने से जाके एक बकायदा पेपर लेके आता है कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है कि मामला ठीक है। तो ये चले हमारे सियासतदान है, थोड़ा बहुत प्रिविलेज उनको देना चाहिए। दुनिया भर में ये होता है कि जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं कि थोड़े बहुत प्रिविलेज होते हैं, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल हमारी तरह रहें या हमारी तरह हो जाएं, वो आफ्टर ऑल हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल सारे प्रिविलेज आप उनसे ले लें, लेकिन ये जो बात है ना बुनियादी तौर पे जो पीएम की इंस्ट्रक्शंस हैं, या जो दूसरी बात तो ठीक है कि जो ट्रीटमेंट उनको मिलती है जेलों में, वो अगर उसमें कुछ मसावात आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं और इंशाल्लाह अगले टॉपिक पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इसी महीने की 20 तारीख को हमारे वज़ीर आज़म साहब अमरीका का पहला दौरा करने जा रहे हैं और ये दौरा 5 दिन पर मुहित होगा और इसमें जो पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात हैं उनकी नौइयत के बारे में हमें कुछ ठीक से पता चल सकेगा। बस अब अमरीकी सदर हमसे कुछ खास खुश नहीं है, हमें बार बार डू मोर की बातें करते हैं। अब आपको क्या लगता है कि इस दौरे में पाकिस्तान क्या मौकिफ लेके जाएगा और वहाँ से क्या इंस्ट्रक्शन लेके आएगा? इंस्ट्रक्शन बड़ा भारी लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है सर। हम उनको रूट्स अगर देते हैं तो जाहिर है हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। हालात थे ना 9/11 के बाद, जब यूर विदास और अगेंस्ट अस वाला मामला था, चूँकि मुशर्रफ साहब को उस वक्त दुनिया में कोई लोग पजीराई नहीं मिल रही थी, यहाँ तक के जो सुफरा अपॉइंट कर रहे थे उनके लिए भी एग्रीमा नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए एक खास सिचुएशन थी, तो दैट वॉज फॉर हिम अ गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी, पूरा प्रोविडेंशियल थी कि ये 9/11 हो गया तो दुनिया ने उनको अप्रोच करना शुरू किया। अच्छा, लोगों को इस बारे में बड़ी मिसकंसेप्शन है
कि जब डिक्टेटर्स आते हैं तो शायद वो बहुत अच्छा कर देते हैं मुल्क को और इकोनॉमी को। ये तो अब ये हमारी डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी जी, इस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करते हैं कि जमहूरियत हमारे लिए ठीक है नहीं है क्या है। असल देखिए पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कोल्ड वॉर से पहले ख़त्म होने से पहले ही 1990 से पहले ही बड़े मसाइल का शिकार रही है। पहले तो हम इनके साथ मिलिट्री अलायंसेस भी हमारे रहे हैं, सेंटो और कोल्ड वॉर में हम इनके अलाए भी थे। उसके बाद अफगानिस्तान जो वॉर शुरू हुई 1979 में जब सोवियत यूनियन ने ऑक्यूपाई किया, फिर हमने इनके साथ मिलकर सोवियट्स के ख़िलाफ़ भी जंग लड़ी और फिर सोवियट्स को निकाला। उस वक्त के सारे जो आज हम जिनको दहशतगर्द अफगानिस्तान में कहते हैं सारे मुजाहिदीन हुआ करते थे जी। और ये सदर रेगन ने इनको रिसीव भी किया था तमाम लोगों को वाइट हाउस में। तो ये उस वक्त तक हमारे ताल्लुकात में एक किस्म का मामला था, लेकिन फिर भी 80 की दहाई में जो मसाइल चल रहे थे वो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर फिर भी भारल थे और उस पर बहुत सी सेंक्शंस भी हम पे लगी हैं, अमेंडमेंट्स कांग्रेस ने लॉज ही पास किए, लेकिन भारत प्रेसिडेंट जो चीफ एग्जीक्यूटिव था वो हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाया करता था कि इस वक्त हम सेंक्शंस पाकिस्तान पे नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे ताल्लुकात बड़े ज़रूरी हैं कोऑपरेशन अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तो जो ही अफगानिस्तान का मसला ख़त्म हुआ, सोवियत यूनियन कलेप्स हुआ, तो ये सारे लोग यहाँ से निकल गए, चले गए, हमें रेफ्यूजीज़ का तोहफा दे गए, क्लाशनिकोव का तोहफा हमारे पास छोड़ गए, तो क्या कुछ पाकिस्तान नहीं सहा। तो हमारे जो पहले 80 की दहाई में या 90 की दहाई में हमारे कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से रहे हैं। इनका ख्याल ये था कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम वेपन्स ग्रेड प्रोग्राम है, ये मिलिट्राइजेशन की तरफ लेकर जाएगा, और फिर हम चूँकि नॉन प्रोलीफ्रेशन न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफ्रेशन NPT का हिस्सा भी नहीं रहे कभी, तो इनका ख्याल था कि चूँकि भारत अब न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना परसू कर रहा है तो पाकिस्तान भी कर रहा है, तो इनके ख्याल में अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लेता है तो ये एक बड़ी खित्ते के लिए अच्छी बात नहीं होगी या दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं होगी फॉर दैट मैटर। तो वहाँ पे बड़ी सेंक्शंस भी लगी, प्रेस्टर अमेंडमेंट भी आई, स्मिंगटन अमेंडमेंट भी आई, बहुत सी सेंक्शंस हम पे लगी। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बुनियादी तौर पर यह है कि हमारे जो पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात हैं उसमें कभी भी कोई ऐसी गर्मजोशी नहीं रही, हमारे बायलैटरल ताल्लुकात में वो इतना सब्सटेंस था ही कभी नहीं। कोल्ड वॉर के ज़माने में ठीक है हमारा सोवियत यूनियन के साथ अमेरिका का मामला था, हमारा इंडिया के साथ मामला था, वहाँ भी कन्वर्जेंस नहीं थी। जो हमारे इंटरेस्ट थे कि हमें अगर कुछ मिलिट्री सपोर्ट मिलती है अमेरिका से तो हम वो भारत के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल करें, लेकिन उसके अमेरिका के अजाइम और थे, तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा है। अभी भी देखिए 9/11 के बाद भारत कुछ हमने कोऑपरेट किया, उससे और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, एक ट्रांजैक्शनल सा रिलेशनशिप रहा है। बल्कि आज से मुझे याद पड़ता है कि आज से 8 साल पहले भी जब जरदारी साहब भी अमेरिका गए थे तो उस वक्त एफ पाक बड़ा था, रिचर्ड होलब्रुक जो थे US के एनवॉय स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, वो बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे थे पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए। फिर हिलरी क्लिंटन भी 2-3 बार पाकिस्तान आई, तो हमने एक बड़ा कोशिश की कि जो हमारा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है इसको हम स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में तब्दील करें, लेकिन वो हो नहीं सकता था। सदर ट्रंप के आने के बाद तो हालात थोड़े और कशीदा हो गए। ट्रंप के आने के बाद तो और, चूंकि ये खुद आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या सोचते हैं और कैसा, और फिर चूंकि स्टेट डिपार्टमेंट से भी सारा जो फॉरेन पॉलिसी, बल्कि मैं कल परसों ही किसी एक रिसेप्शन में अमरीकी जो CDM एक पॉलिटिकल काउंसलर उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उससे पूछा पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे जा रहे हैं, कहते जी हमें क्या मालूम है, वाइट हाउस से पूछिए। तो ये उनका उनकी ऑब्जर्वेशन थी। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात हैं बुनियादी तौर पर इस वक्त जो मामला है वो अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान पर वो हमें चाहते हैं कि हम उनकी कुछ हेल्प करें ताकि उनका कुछ एग्रीमेंट तालिबान के साथ हो जाए। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि अमेरिका अफगानिस्तान से जा नहीं रहा और जाना भी नहीं चाहता। जाना नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है कि तालिबान के साथ कोई उनका ऐसा मुआहदा हो जाए कि वो यहाँ रहें, लेकिन उनका जो रोल हो वो तब्दील हो जाए। वो यहाँ रहना चाहते हैं, इस इलाके में रहना चाहते हैं।
बल्कि आज शायद प्रेसिडेंट ट्रंप की एक उनका बयान भी है कि हम अमेरिका अफगानिस्तान से ऐसे जाएंगे नहीं जब तक कि हमारा कुछ अंडरस्टैंडिंग तालिबान के साथ नहीं हो जाती। तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि अमेरिका यहाँ पे रहना चाहता है। हमारे लिए मसाइल क्या हैं? देखिए, इस वक्त भी जो US है हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट मुल्क है। ठीक है, हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज नहीं करते, उनके हमारे मसाइल हैं। वो इंडिया को UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, परमानेंट मेंबर बनाना चाहते हैं, वो उनको न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं, वो उनको चाइना के ख़िलाफ़ भी खड़ा करना चाहते हैं, वो उनको अफगानिस्तान में भी कुछ रोल देना चाहते हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं, फिर क्वाड का उनका एक कॉन्सेप्ट है एशिया पैसिफिक में, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये चारों मालिक वहाँ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो वो चाइना के ख़िलाफ़ एक अपना एक काउंटर चाइना को करने के लिए वो अपनी उनकी एक स्ट्रैटेजी है। हम उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा तो नहीं बन सकते क्योंकि चाइना हमारा एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। इसलिए हमारे ताल्लुकात आजकल के माहौल में और अगले आने वाले कई सालों में, इन द फोर्सिएबल फ्यूचर, हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिक नहीं हो सकते। इट्स वेरी क्लियर, क्योंकि हमारे जो स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात हैं वो चाइना के साथ हैं। फिर गवादर पोर्ट का मसला है, FATF का मसला है। हमें बुनियादी तौर पे क्या चाहिए? हम देखिए, अफगानिस्तान में हम भी चाहते हैं कि वह अमन हो और हम कोशिशें कर रहे हैं, और ये हमें हमारे वज़ीर आज़म को बताना पड़ेगा कि जी देखिए, हम अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी, सिर्फ हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बाकी भी जो ममालिक, ख़ास तौर पर इंडिया का जो रोल है वो नेगेटिव है। वो इस वक्त नहीं चाहता कि कोई तालिबान के साथ रिकन्सिलिएशन हो, तो उनको आप इंडिया को भी समझाइए। दूसरा, हमें ये भी उनको बताना पड़ेगा कि जी जहाँ तक न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है, पाकिस्तान के भी क्रीडेंशियल्स बड़े ज़बरदस्त हैं। माजी में जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस वक्त जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो हमारे एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हैं, वो तो देयर सेकंड टू नन। वो तो हमारे बेहतरीन, दुनिया के किसी भी मुल्क से आप उसका कंपैरिजन कर लें, वो किसी से हम पीछे नहीं है। तो हमारा भी केस बनता है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में। फिर FATF में हमें US की कोऑपरेशन चाहिए। तो इस तरह ये जो मामलात हैं। फिर जम्मू और कश्मीर पर अगर हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात रखने हैं, तो हमें US को ये बताना पड़ेगा कि आप कुछ थोड़ा इंडिया को राज़ी करें कि हमारे साथ कुछ डायलॉग, सब्सटेंटिव डायलॉग करें, ताकि जम्मू और कश्मीर का मसला हल हो, ताकि खित्ते में अमन आए। तो इस वजह से ये दौरा इम्पॉर्टेंट होगा। फिर हमारा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारी इकॉनमी इस वक्त बुरे हालात में है, तो अगर हम कुछ ज़्यादा US इन्वेस्टमेंट ले आएँ, कुछ ट्रेड, चूँकि हमारा एक US के साथ हमारा 6 से 7 बिलियन डॉलर का ट्रेड है जो पाकिस्तान के फेवर में है। US से हम बहुत कम इम्पोर्ट करते हैं, हमारी ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स हैं, तो हम चाहेंगे कि ये एक्सपोर्ट्स बढ़ें, इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन ये दौरा होगा और हम देखेंगे कि व्हाइट हाउस में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उनके पास चिट होती है कि नहीं होती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपकी लाइव कॉल लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर। जरा कॉलर लेने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर लेते हैं। अभी अमेरिका ने जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया है। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी, इट्स अ गुड डेवलपमेंट, और इट्स अ गुड डेवलपमेंट बिफोर द प्राइम मिनिस्टर्स फोर्थकमिंग विजिट। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट हो जाएगा, और अब उम्मीद करते हैं कि जो BLA को सपोर्ट करते रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, वो भी अब ज़रा थोड़ा मोहतात रहेंगे। और जो लीडरशिप है BLA की, अगर वो स्विट्ज़रलैंड में है, UK में है या इंडिया में है, तो अब कोशिश हमें होनी चाहिए कि उनको वापस बुलाएं, क्योंकि बलूचिस्तान ने पहले ही बहुत सफ़र किया है, और हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान भी, जो वहाँ के लोग हैं, जिन हालात में रह रहे हैं, वो भी अब मेन स्ट्रीम हों, वहाँ भी खुशहाली आए। और भी बहुत से इलाकों में नहीं है पाकिस्तान में, सिर्फ ये नहीं कि बलूचिस्तान में नहीं है, लेकिन भारत BLA का आज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर होना अमेरिका की जानिब से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट, और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर, हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। जी, कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बोल रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बाती साहब, शम्स बात करूं कराची से। जी शम्स साहब, अल्लाह का बड़ा करम है, आप सुनाइए क्या कहना चाहते हैं। सर मुझे ये कहना था कि इमरान खान साहब ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की के टैक्स चोरों को पकड़े के बारे में जो बताएगा उसे 20% वो दिया जाएगा, इसका कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया सर? हाँ, ये नोटिफिकेशन वाकई मैंने भी नहीं देखा,
सर ये आना चाहिए ना, मेरे पास तो बड़े बड़े केसेस पड़े हुए हैं, 50 करोड़ तो मैं हुकूमत को यूं दिलवा सकता हूँ ईमान से। ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर पूरे प्रूफ है, प्रूफ के साथ। अब मैं आपको टीवी पे तो नहीं बता सकता। हाँ, टीवी पे तो ऑब्वियसली नहीं बता सकता। रابطہ करे कोई हुकूमत का बंदा, चलें फिर आपका टेलीफोन नंबर हमसे, मैं शब्बर जैदी साहब को आपका नंबर देता हूँ। बिल्कुल मेरा दे दीजिए सर, तो आपसे रابطہ कायम। मैं प्रूफ के साथ देने को तैयार हूँ। चले ठीक है, क्योंकि मैं खुद ये काम मतलब ये तो कौमी फरीजा भी है। थैंक यू वेरी मच हम साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल एनी टाइम सर, मुझे बिल्कुल कॉल करें, कोई भी गवर्नमेंट का बंदा, लेकिन कोई ईमानदार बंदा। चले इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। तो देखिए ऐसे लोग भी हैं जिनको पता है कौन पैसे खा रहा है, और तो ऐसे लोगों से रابطہ कायम करना चाहिए। नोटिफिकेशन का जिक्र कर रहे थे, नोटिफिकेशन। हाँ, शब्बर जैदी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस किस्म के नोटिफिकेशन इशू नहीं हो रहे, वो इशू करें ताकि लोगों को कुछ पता तो चले कि प्रोसीजर क्या है और किस तरह इन मामलों को आगे लेकर जाया जा सकता है। लेकिन इकॉनमी भी एक प्रोग्राम करना है हमने, क्योंकि बहुत से मसाइल हैं जो कि हम डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, अभी एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो जी, कौन सा है? साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कौन साहिबा बोल रही हैं? मैं लाहौर से नाज़े बात कर रही हूं। जी फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं मोहतरमा? ये आप लोग मतलब कि किस बारे में आपने लिखा हुआ है ना कॉल, ये सियासत के बारे में कुछ बता रहे हैं, हुकूमत के बारे में बताऊं? आप जो सवाल या कमेंट आप करना चाहती हैं किसी इशू पे फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं? मैं वज़ीर आज़म के बारे में कहना चाह रही हूँ। फरमाइए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो ना बिल्कुल भी मतलब कि ये सारा कुछ अगर उनकी ये मुस्लिम लीग और ये नवाज शरीफ से कोई मतलब कि उनकी नजर हटेगी तो फिर ही वो कुछ ना कुछ करेंगे ना हमारे लिए, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए। आप ये कहना चाहती हैं कि जितने भी केसेस चल रहे हैं पुराने सियासतदानों के खिलाफ वो खत्म करें? और जी बिल्कुल, और थोड़ी ना ये आवाम पे गौर करें थोड़ी, फिर ही होगी। ये तो बस एक इंतकाम लेने के लिए, एक बदला लेने के लिए सिर्फ लगता है कि जस्ट कुर्सी पे बैठे हुए हैं। हाँ इसी, चले इनका मतलब कि मिशन, इनका काम प्रोटोकॉल ही बस यही है कि बस यही काम करना है और कुछ नहीं है। चले नाजिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वज़ीर आज़म को अब इन केसेस से वाकई तवज्जो हटा के उनको जुडिशरी के हवाले करके अब आवाम के लिए। पहले भी कई बार कह चुके हैं कि ये नैब को करने दें, जिनका काम है वो करेंगे। आपको बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि एनआरओ नहीं मिलेगा, एनआरओ नहीं मिलेगा। बल्कि कल ये भी कह रहे थे कि एक इंटरव्यू में कि प्ली बार्गेन की प्रोविजन है तो उससे ये फायदा उठाएं और बाहर चले जाएं। लेकिन जो एसेट सामने देखे हैं जो डिक्लेयर हुए हैं उसमें तो 18 करोड़ मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब के पास हैं और 66 करोड़ के एसेट जरदारी साहब ने डिक्लेयर किए हैं। लेकिन बिलावल साहब की बड़ी शान है, तकरीबन 1.5 अरब रुपए के एसेट्स उनके पास हैं। तो ये भी देखिए जरदारी साहब का ही कमाल है। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ एक लास्ट कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको ये देखना चाहिए कि एक जो इम्प्लॉई है मतलब जो इदारे में काम कर रहा है उसका मिनिमम जो वेज है वो 30,000 होना चाहिए। ठीक, इससे जो गुजारा एक आम आदमी के लिए वो बहुत मुश्किल है। अगर इसके ये प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं तो खुद या अपने किसी जो है मेंबर को कहें कि उस सैलरी पे गुजारा करके दिखा दे तो इनको पता चल जाएगा। सलमान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, गुजारा तो वाकई बहुत मुश्किल है। आजकल तो 50,000 पे भी नहीं होता। लेकिन जो मिनिमम वेज इन्होंने 17,500 मेरे ख्याल में की है। और बात सलमान साहब ठीक कह रहे हैं कि जो बिजली के बिल हैं और गैस के बिल में 190% का इजाफा जिस तरह हुआ है, चीनी महंगी हुई है, दालें तक महंगी हुई, खुरो नोश की जितनी भी अशिया हैं वो सब महंगी। इकोनॉमी पे एक प्रोग्राम करते हैं इंशाल्लाह, और किसी इकोनॉमिस्ट को बुलाते हैं, एक्सपर्ट को, और उनके साथ ये, और मेरे भी कुछ आइडियाज अपने भी हैं कि किस तरह इकोनॉमी को हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन चूंकि टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है, मैं सिर्फ इकोनॉमी के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है टैक्स जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी ना इकोनॉमी की उस वक्त आपके हालात बेहतर नहीं होंगे। तो टैक्सेशन पे आप ज़रूर गौर कीजिए, लेकिन टैक्सेशन इस हद तक ना जाए कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ही ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप हमें यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, अपनी सजेशन भी आप हमारे लिए ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।